भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को लेकर मंडी के सुंदर नगर में भाजपा बैठक कर रही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गारंटियों सहित मंत्रियों में नाराजगी को लेकर निशाना साधा, जिस पर सीएम मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने पलटवार किया है और भाजपा नेताओं पर लोगों को भ्रमित करने के लिए बयानबाजी करने के आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर जी हैं जो विपक्ष के नेता हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बार बार इस सरकार को गलत जानकारी या गलत प्रचार करके इनके ऊपर इनकी पार्टी का दिल्ली से कोई दबाव है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब भी कोई इलेक्शन आता है राज्य का, भी हरियाणा का चुनाव था, जम्मू कश्मीर का चुनाव था, अब दोबारा से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की वजह से वो दबाव इनके ऊपर भी देखा जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आप शिमला में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल सकती है, आप मुख्यमंत्री रहे 5 वर्ष तक, अधिकारियों से आपकी जान पहचान है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि हमारी सरकार ने किन किन गारंटियों पर काम किया है। हमने जो भी गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी ने लोगों के सामने रखी थी, वो स्वाभाविक तौर पर 5 साल के लिए वादे किए, और 10 गारंटियों में से 5 गारंटियों पर हमने काम शुरू कर दिया है, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ओपन है ये। मैं समझ नहीं आ रहा कि आप विरोध करने का असली कारण क्या है। मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि संगठन का उनका चुनाव चल रहा है, बड़ा फेरबदल होने वाला है, नया अध्यक्ष भाजपा में बनने वाला है। मैं समझता हूँ ये दबाव नेताओं पर साफ तौर पर दिख रहा है, इसमें जयराम जी पर भी ये दबाव दिख रहा है और दूसरे नेताओं पर भी दिख रहा है, इसलिए इनकी ये मजबूरी हो चुकी है कि आप जो है सरकार के ऊपर निशाना लगा के अपनी नेतागिरी को चमकाने का जो काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे लोगों को गुमराह करने की ये विपक्ष की जो नीति है ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक सवाल है कि जो एक भाजपा का बिलासपुर के अंदर, जो हमारे पास जानकारी है कि भाजपा के जो लीडर मिले, उसमें विधायक भी थे, कुछ और लोग थे, इनका संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, उसके विषय में वो जो बैठक हुई, उसको कुछ मीडिया के लोगों ने गलत फहमी से मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया, जबकि वास्तविकता ये है कि वो जो मीटिंग का जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पे या मीडिया में जो बात जानकारी आई, वो किसी व्यक्ति को गलती लग गई, वास्तविकता में वो भाजपा के लोग थे, कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं था। और कल भी मिनिस्टर सारे, कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, अगली रूपरेखा तैयार की। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।